बड़ी खुशी है तुसी सारे इत्थे लोकी आए थे। तो मेरी डेब्यू फिल्म है पंजाबी दी। तो मेरा रोल, मेरे कैरेक्टर का नाँ है लाडी। तो मेरी हीरोइन उत्थे खलोती है पूनम, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और बस की कहां पिक्चर के बारे, वो डायरेक्टर साहब सारा कह के चल गए, आ गई पूनम इज हियर। सो प्लीज कुछ कहो। पहले तो सारे मीडिया का मेरे वालों सारे तय दिलों धनबाद, तुम सारे इतने आयो टाइम कट के। और कहते ने फिल्म एक परिवार हों, जो परिवार जुड़ता तो एक बच्चे ने जन्म दिता, हौली हौली पलता, फिर वो व्डा हों, तो वह एक बार आन के विह के मोड़ पर आ जाता। हूँ साढ़े एक कह सकते कि असी बहुत प्यारा एक कॉन्सैप्ट लैके आ रहे हैं ट्रैवल एजेंट, जिससे तो एजुकेशन के नाल बहुत सारिया चीज़ा सीखने मिलनगियाँ, क्योंकि असी बाहर जा रहे हैं, अपना पंजाब छड़ के बाहर जा रहे हैं। सो मैं लगता बहुत व्डा मैसेज बन रहा है। सर इसमें एक्शन भी बहुत होगा, ठीक है, और मेरे फादर साहब है मिस्टर मोहन बगड़, वो है, तो फिर आप सबको पता ही है कि एक्शन कैसा होने वाला है। बस आप देखते रहिए ये सब। थैंक यू। ये प्लीज आप अपने रोल के बारे में बताएं, फिल्म में क्या रोल है आपका? सत श्री अकाल सारे, मैं प्रभ गरेवाल। तो अज आप बॉम्बे आए हैं तो बहुत खुशी हो रही है, जो भी बॉम्बे आने तो बहुत ही प्यार मिलता। तो थैंक यू सो मच, तुम सारे जने आए हो, सानू इन्ना प्यार देने। साड़ी मूवी ट्रैवल एजेंट अज असी माहौल शॉट किया है, तो इस मूवी साड़े किरदार है, असं सारे बहुत सोहना काम कर, जो भी साड़े करैक्टर ने सारे बहुत सोहने ने, तो तुहानू बहुत सोहना मैसेज दूगी मूवी, जो कि एजुकेशन पर है एक नाल नाल बहुत सोहना बार, तुसी क्यों जाने हो, क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पर मैसेज है। तो बहुत सब तुम चंगी लगी। थैंक यू। थैंक यू। सुरेंद्र महल जी, मैं आज से कोई 27-28 साल पहले वापस चला गया था। उससे पहले मैंने यहाँ पर महाभारत, टीपू सुल्तान, कृष्णा जैसे बड़े बड़े, परमवीर चक्र जैसे बड़े बड़े मैंने सीरियल किए हैं, और उसके बाद यहाँ फिल्में भी की हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद, उस वक्त मैं क्लीन शेव था जब यहाँ से गया, और आज आपके सामने एक सरदार, कंप्लीट सरदार आपके सामने खड़ा हुआ। क्यों? आजकल पंजाबी फिल्में जो बन रही हैं, बहुत सारी बन रही हैं। मेरा ख्याल है अभी तक मैंने टोटल अगर मिलाएं तो 350 के करीब छोटे बड़े सारे सब प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और हरियाणवी फिल्म भी शामिल है। सो मुझे आप सबसे गुजारिश है कि आप जैसे और फिल्मों को इतना बढ़ चढ़ के उनको एडवर्टाइज करते हो, उनको हौसला बढ़ाते हो उनका इस फिल्म के लिए, क्योंकि हम पंजाब से आए हैं और धर्म जी का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने फुल आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ही वो बेसिकली पंजाबी हैं, जाट हैं, और समझते हैं आप, और आए हैं अपने भतीजे को आशीर्वाद देने के लिए, और ये मोहन बगड़ जी का बेटा इसमें लॉन्च हो रहा है। मैं इसके फादर का रोल कर रहा हूँ इसमें, और जहाँ बगड़ है वहाँ पे एक्शन भी होगा, ड्रामा भी होगा, हर तरह के सीन, हर तरह का प्रेम, मतलब भर जाएगी। अब अगर आप में से कुछ मेरे से कुछ जानना चाह रहे हैं कुछ अलग से, क्योंकि वो रटाया मैं नहीं बताऊँगा। रही बात ये ट्रेवल एजेंट की, क्योंकि पंजाब खाली होता जा रहा है, सभी बाहर जा रहे हैं, कनेडा कनेडा कनेडा। सो हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि ट्रेवल एजेंट वहाँ पे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए कि लालच दे करके, जैसे बाहर पंजाब खाली होता जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, हर तरह से रोकने की, क्योंकि पंजाब आप सब जानते हैं ऐसी कोई कमी नहीं है उसमें, हर चीज़ है उसमें। हमारे पंजाब में जैसे फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहाँ पर या गर्मी है, गर्मी नाम की गर्मी होती है, सर्दी सर्दी सर्दी, पंजाब में हर ऋतु है, वहाँ पर गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, पतझड़ है, बहार है, एवरीथिंग इज देयर। वहाँ की हवा पानी सबसे बेहतर है, ये आप सब जानते हैं। हमने कोशिश की है कि ट्रेवल एजेंट फिल्म बनाने के इसके ज़रिए कि हर चीज़ को हम अच्छी तरीके से आप सामने, आपके सामने, दर्शकों के सामने हम पेश करें। सो हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारा प्रॉपर साथ देंगे। रंजीत साहब को, रंजीत साहब, और हमारे को आर्टिस्ट हैं साथ में, रंजीत रियाज शर्मा जी,
ये भी एक बेहतरीन रोल कर रहे हैं इसमें, अभी ये बताएंगे आपके अपने बारे में। नमस्कार जी, मैं रंजीत रियाज शर्मा, मैं पिछले आलमोस्ट 40 ईयर्स से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अभी तक पंजाबी और हिंदी कुछ फिल्मों में, जैसे सन ऑफ सरदार, मस्त लंदन वगैरह, बहुत सारी अपने एक का पावर ऑफ वन, इस तरह की हिंदी फिल्म्स भी काफ़ी सराहत पार और पंजाबी फिल्म भी आलमोस्ट 100 से पार है। तो इस वक्त हम लोग जो नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये बकर साहब के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है, इसमें ट्रैवल एजेंट फिल्म है और बलजिंदर सिद्धू जी की डायरेक्शन है। बड़े अच्छे से ये टीम तैयार हुई है, हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने अच्छे हैं, उनका विजन बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को। जैसे कि माल साहब ने बताया है कि ड्यू टू सम रीजंस एक होड़ सी चल पड़ी है पंजाब में से, लोग बच्चे जो हमारा इंटेलिजेंशिया ग्रुप है वो माइग्रेट होता जा रहा है दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली टू कैनेडा। तो इसके ज़रिए हम उनको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लियाकत को लेकर ब्रेन स्ट्रेन मत होइए और यहाँ वापस आइए, ताकि हमारा पंजाब फिर से वैसे का वैसा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एक मुकुट है वो फिर से तैयार हो जाए, फिर से वो बन जाए, फिर से वही खुशहाली आ जाए, वही रंग रूप रंगीला पंजाब, रंगला पंजाब हो जाए। आई होप कि इसमें आप लोग, मीडिया की बहुत बड़ी पावर होती है, आप लोग भी हमारा साथ देंगे ताकि इसका जो पॉजिटिव साइड है हम लोगों को बता सकें, जो जाने की यहाँ से होड़ लगी हुई है उसको रोक सके। सो थैंक यू वेरी मच कि हम सब मिलके इस चीज़ में, इस मिशन में हम कामयाब हो जाएं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप इस फिल्म में क्या किरदार कर रहे हैं अपने? सत श्री अकाल, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 60 साल से हूँ और मैंने हर रंग की फिल्म की है, हिंदी से लेके मलयालम से लेके पंजाबी फिल्में, और ये फिल्म कुछ हट के बन रही है। इसकी एक नई स्टोरी है, जो पंजाब आज डूब चुका है, जो पंजाब के अंदर जो पूरा खाली हो चुका है, उस पंजाब को वापस भरने के लिए, उसको उसके अंदर एक रंग भरने के लिए ये बड़ी खूबसूरत फिल्म बन रही है। और मैं मोहन भगत साहब का छोटा भाई भी हूँ और उनका दोस्त भी हूँ, और ये सोनू जी, जी सोनू भगत बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। आप इनको मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी, और मैं प्रोड्यूसर साहब को और डायरेक्टर साहब को और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस फिल्म के लिए। गिव मी बिग हैंड टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। अभी बकर साहब आएंगे, मोहन बकर साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके सामने इस फिल्म के बारे दो शब्द बोलें। जो सोनू भगत हैं वो मोहन भगत साहब का बेटा है, जो इस फिल्म में लॉन्च हो रहा है, ये आप सबको पता है। भगत साहब प्लीज। एक सेकेंड, पापा के बोलने से पहले मैं जो भी कुछ हूँ इनके बदौलत हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं भी रहूँ। कितने एक्साइटमेंट हो जो आपके पापा एक्शन मास्टर है और उनके थ्रू काफी सारे लेग भी आए, ऐसे और कम लोग होता है, इतने सारे लेजेंड आते हैं जी, क्या बोलते हैं? तो इतने लेजेंड्स यहाँ पे आए हैं, जाहिर सी बात है मेरे फादर साहब बहुत साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, उनका गुडविल है, तो उस वजह से बहुत अच्छा मुहूर्त हो गया हमारा, काफ़ी लोग आए थे। बाकी थैंक यू सो मच। आपके बेटे सोनू भगत जी लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म में, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या विशेष देना चाहता है? मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूँ, इस पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी है, तो मैंने सुनी है आजकल जो पंजाब में होता है, लड़कियाँ लड़के पंजाब से चले जाते हैं बाहर, उनके ऊपर ये है कहानी, तो ये हर घर में यही चक्कर है, पैसा बर्बाद करके जाते हैं। ये जरूर पिक्चर देखना, इसमें आपको कोई सबक मिलेगा। बाकी इसमें एक्शन है, गाने हैं, सब कुछ है, और थैंक यू। मीडिया पर्सन जेड़े मेरे दोस्त ने, उन्होंने मैं वेलकम करता, और ये पिक्चर गोविंद फिल्म लिमिटेड अपना क्रिएशन फिल्म प्राइवेट लिमिटेड और विद एसोसिएशन UBS प्रोडक्शन, और ये सोनू भगत जी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अपना प्रभु ग्रेवाल सोनू सू
और पूनम सूद जी है और अपना नाल अपना शिंदर महल जी है और अपना जुगनू जी अपने दोस्त हैं भी ने ते रंजीत रियाज जी भी ने ते गोगू गिल साहब भी ने और भी मेरे दोस्त नीटू पंदेर इस तरह के कई करैक्टर होर भी ने मेरे मित्र ते कहानी बहुत अच्छी है और यूथ ते अजकल जो अपने बच्चे है वो पढ़न लिखन तो बाद वो बाहर की तैयारी करते अपने मुल्क नूं छड्ड के जाते हैं अपने बजुर्गों नूं भुल जाते हैं। ये सिर्फ मैसेज है उन्होंने वास्ते भी अपने बुजुर्गों नूं ना भुलो उन्हां दी सेवा करो अपनी धरती नाल प्यार करो और सभ्याचार नाल प्यार करो तो यही मैसेज मैं सारे नूं अपने कर्मियों नूं देना और मैं अपने दोस्तों नूं देना चाहना कि अपना जो मुल्क है उहदे अर्गी रीस नहीं है मेहनत करो मजदूरी करो जो भी है एजुकेशन हासिल करो और अपने पंजाब दे विच अपने कल्चर दे विच अपने माँ प्यो की सेवा करो और बुजुर्गों की सेवा करो इस तो वड्डा होर कोई फल नहीं है। असी उत्थे भी मेहनत करनी है इत्थे भी मेहनत करनी है लेकिन कई चीज़ा इदा दिया घटनावां होंदिया साढ़े नाल बाहर भी मेरे होर भी दोस्तों मित्रों नाल भैन भाइयों नाल मैं चाहना भी अपना पंजाब ना छड्डो ते अपने पंजाब च रहो पंजाब नूं प्यार करो यही मेरी सब नाल बेनती है। सुन के खुशी होगी सतेंद्र सिंह मथारू साहब इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं और ये आपके सामने दो शब्द पिक्चर के बारे बोलेंगे। जी बोलिए प्लीज़। ये फिल्म अपनी ट्रैवल एजेंट आ जिहड़ी कि साडी घर घर की कहानी है जिहड़े बच्चे अपने बाहर जाते हैं जां उन्हां दे विषय दे उत्ते कहानी है ये तो सानू बहुत खुशी हो रही है कि इस दा कलैब जो हैगा धर्म भाजी ने किया तो होर भी महान हस्तियां आई हैं जॉनी लिवर भाजी ने गुलशन जी आए ने रंजीत साहब हाँ जी रंजीत जी आए ने तो वो सारे जने सानू आशीर्वाद आपका दे के गए होर भी बहुत हस्तियां पहुंचियां तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा सारी प्रेस दा कि ये जिहड़ी जिस टाइम साडी ये फिल्म सिनेमिया दे विच आऊगी तो तुसीं बहुत प्यार दोगे। सर लेजेंड सुपरस्टार धर्म जी के हाथों से आपका क्लैप हुआ है कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। क्या बोलना चाहते हो धर्म जी के बारे में? धर्म जी तो है ही ये तो भीष्म पितामह है अपनी जिहड़ी हैगी इंडस्ट्री दे भीष्म पितामह इन्हां दे बारे तो कोई शब्द ही है नहीं कि बोलने का। आशीर्वाद मिल गया आपको कितना एक्साइटमेंट है आप लोग? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जी धर्म जी ने आप